नमस्ते। ये कौन आ गया जी? चुनमुन नमस्ते। नमस्ते सबको कर रही हो नमस्ते, मुझे भी कर लो। नमस्ते। हाँ ठीक है, नमस्ते। आपका आना कैसे हुआ संडे के दिन? कहानी सुनिए। हाँ कहानी सुनने। कहानी बड़ी अच्छी लगती है आपको। कौन सी कहानी सुनेंगे आज, हैं बताए तो सही। कटक कट्टो की। कट्टो अच्छी लगती है। कट्टो, मैं आपको बता दूं, कट्टो की लहरी जो पेड़ों पे कैसे भागती है। हाँ ऐसे ही भागती है, रर इधर धर उधर, फुतुर 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 भागती रहती है ना। कैसे भागती है? थोड़ा हाँ भागती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। तुम नहीं भागते हो? थोड़ा। ओके कहानी सुनोगे? अच्छा उसके बाद सबको सुनाओगे? ओके ठीक है, सबको बोलो मैं अभी आता हूँ कहानी सुनने के बाद में, ठीक है? ओके हाँ हाँ हो गई हो गई होगी। बाय नहीं कर रहे हैं, बाय एंड भी करेंगे। चलो बैठते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है कट्टो की कहानी, कट्टो की बड़ी सी मूंगफली की कहानी, बड़ी सी मूंगफली की कहानी। कट्टो को ढूंढते ढूंढते मिली एक मूंगफली, बड़ी खुश हुई कट्टो। आहा मज़ा आ गया, आज तो मैं आराम से बैठ के धूप में तोड़ तोड़ के मूंगफली खाऊंगी। उसने उस मूंगफली को पेड़ की कोटर में रख दिया। कोटर छोटा सा खड्डा होता है ना पेड़ के बीच में, वहां छुपा के रख दिया। और सोचा कि बस मैं अभी आती हूँ नहा के और मजे से बैठ के मूंगफली खाऊंगी, है ना, मजा आएगा। नहा के सुंदर सुंदर बन के पूंछ को इतरा के जब कट्टो वापस आई तो देखा कोटर में तो मूंगफली थी ही नहीं। इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कहीं भी मूंगफली नहीं मिली। बताओ ऊपर पेड़ की डाल पे उसने किसको देखा? मैना को। और क्या बोला? ओ मैना देखे क्या मेरी मूंगफली, ओ मैना देखी क्या मेरी मूंगफली। मैना ने सुना कि मूंगफली की बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे भी खाने को मिलनी चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला? कैसी थी तेरी मूंगफली, अच्छी थी छोटी थी क्या मोटी थी तेरी मूंगफली। मैंने तो नहीं देखा कट्टो। कट्टो ने कहा मैना ने भी नहीं देखा, मैंने तो पेड़ पे ही बैठी थी, क्या करूं। तब तक कट्टो को नजर आई छोटी सी तितली। ओ तितली देखी मेरी मूंगफली, ओ तितली प्यारी सखी देखी क्या मेरी मूंगफली। तितली ने क्या बोला? कैसी थी तेरी मूंगफली, अच्छी थी छोटी थी मोटी थी क्या मूंगफली। कट्टो मैंने तो कोई मूंगफली नहीं देखी, मैं क्या करूं, इधर देखा उधर देखा कोई ना दिखा। तब याद आया कि पेड़ के नीचे एक छोटा सा बिल है, और बिल में कौन रहता है? बिल में रहते हमारे चीकू खरगोश, चीकू कपासी, चिकू भैया चिकू भैया चिकू भैया चिकू भैया। अरे तुम तो आ ही गए भाई। कट्टू ने तुमसे भी कुछ पूछा था क्या? क्या पूछा था? अरे गाना तो गाया था, क्या पूछा था? वही वाला पूछा था कि कैसी थी मेरी मूंगफली। अच्छा क्या गाया था? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक से बोलो। ओके गाना कि खाना, क्या बोल रहे हो? ओए ठीक से पहले तुम अपना मूड बना के आओ। चलो उसने उससे भी वही पूछा। ओ चीकू प्यारी सखी देखी क्या मेरी मूंगफली, कैसी थी भाई कैसी थी, अच्छी थी मेरी मूंगफली। चीकू जी प्यारे चीकू जी देखी क्या मेरी मूंगफली, देखी क्या अच्छी सी मेरी मूंगफली। चीकू ने भी कहा और अब तो कट्टो हमारी परेशान हो गई।
बिल्कुल उदास हो गई। आज तो मुझे इतनी अच्छी मूंगफली मिली थी, कितने अच्छे से मैं खाती। तब तक उसको बिट्टो दिखी, गट्टो की सहेली। पुत्र 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 इधर जा रही थी, पुत्र 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 उधर जा रही थी। तो वो गट्टो ने उसको आवाज़ दिया और क्या बोला, वही बोला ना जो वो सबसे पूछ रही थी। बिट्टो जी, बिट्टो जी, देखे क्या मेरी मूंगफली कहाँ गई, कहाँ गई, अच्छी थी मेरी मूंगफली। बिट्टो ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से पूछा गट्टो ने, बिट्टो जी, बिट्टो जी, देखे क्या मेरी मूंगफली अच्छी थी, मोटी थी, प्यारी थी मेरी मूंगफली। बिट्टो कुछ बोल ही नहीं रही थी, ऐसे मुंह बंद करके फिर उधर चली गई। अब गट्टो को लगा कुछ तो गड़बड़ है। बिट्टो के पास जाके बोला, बिट्टो बता दो। बिट्टू ने कहा फिर गट्टो ने कहा, बता दो। बिट्टो ने कहा अब गट्टो ने कहा, बिट्टो तुम्हारे मुंह में है मेरी मूंगफली। ऐसे करके बिट्टू ने बोला, गट्टो इतनी अच्छी थी ना, मैंने तो खा ली। गट्टो ने कहा, बिट्टो तुमने क्यों खा ली, मैंने तो एक तुमको देना था दाना और एक था मैंने खाना, एक दाना तुम्हारा एक दाना मेरा, हम दोनों मिलके खाते मज़े करते। बिट्टू को तो बड़ा ही रोना आया, इतनी प्यारी उसकी उसकी सहेली थी गट्टो, और उसने उसके लिए मूंगफली के एक दाने को भी रखा था, और देखो बिट्टू दोनों खा गए, अच्छी बात नहीं है ना। अब ये बात जब गट्टो को पता चली तो गट्टो और उदासी हो गई, और उसने कहा कि बस अब मैं कुछ भी नहीं लेके आऊँगी। बिट्टू ने कहा, गट्टो मैं तुम्हारे लिए दो मूंगफली ढूंढ के लाऊंगी, तुम उदास मत होना, तुम तो मेरी कितनी अच्छी सहेली हो, तुम हमेशा मेरे बारे में ध्यान करती हो। और इस कहानी ने किसको सबसे ज़्यादा आनंदित किया, हमारी चुनमुन को। जाया खा जाते ना तुम भी दूसरों का हिस्सा कभी कभी, थोड़ा 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 क्या खा जाते हो, केक। हाँ केक तो खा जाते हो, दूसरे का हिस्सा खाना चाहिए, नहीं सोच में मत पड़ो, बताओ दूसरे का हिस्सा खाना चाहिए। पता तो है, फिर क्या करते हो, टोड़ी टोड़ी कभी कभी खाते हो। ओके आगे से दूसरे का हिस्सा नहीं खाओगे ना, जैसे कट्टू को कितना दुख हुआ होगा ना, बताओ। यस हाँ तो तुम भी ध्यान रखोगे। हाँ रखूंगा। ओके अब तो हमारे चुनमुन ने सीख लिया भाई कि ध्यान कितना रखना है। ठीक है अब ये मुझे बता दो कि कट्टू सबसे पहले किसके पास गई थी। हाँ ध्यान से सुना बड़े अच्छे से। उसके बाद किसके पास गई थी, टिटलर। हाँ और तीसरी बार किसके पास गई थी, यकल। अच्छा बहुत बढ़िया, ये प्यारा सा बच्चा है जो ध्यान से सुनता। अरे ठीक है ठीक 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 अरे ठीक ठीक है ओके 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 ये ध्यान से सुन हो गया ना, अभी नमस्ते करने का समय आ रहा है। तो ये ध्यान से सुनते और जब ध्यान से सुनते तो पता लगाना कितना आसान होता है ना, कि भाई कुछ सवाल पूछ लो और कुछ जवाब ले लो। ठीक है सबको अब बाय बाय कर दो अच्छे से। ठीक है आप देखिए ये कहानी मैंने तो आपको सुना दी वीडियो के माध्यम से, मगर अपने बच्चे को आप सुनाइए, चाहे टीचर हैं उसके मम्मी पापा हैं या उसकी दादी हैं या उसकी नानी हैं या दादा और या नाना भी हैं, तो आप सुनाइए। आप सुनाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और होगा और स्क्रीन टाइम भी बचेगा। सॉरी स्क्रीन के थ्रू ये बात कर रही हूँ, लेकिन स्क्रीन टाइम भी बचेगा अगर आप सुना देंगे तो, है ना, मज़ा आएगा। अगले चुनमुन स्टोरी के लिए वेट कीजिए। नमस्कार।